विवाह इसने किया है राजू लोहार के साथ जो देबारी में, राजू लोहार। और ये सैनिक सिंह जो आज जिसकी डेथ हुई है वो जो है ये पांचवा विवाह उससे किया है इसने। उसके बाद में क्या हुआ, अब क्या हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो है पुलिस थाना गोर्धन बिलास के अंदर मुकदमा दर्ज कराया। वहाँ भगने के बाद तो सामान ले गई, फिर भी वहाँ सामान के लिए उसने और शिकायत की तो वहाँ रामनारायण जी थानेदार साहब ने बुला करके और उसके उससे सामान वगैरह जो और चाहती थी और दिला दिया उसको। और वहाँ उसने लिख के दे दिया कि अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों स्वतंत्र हैं, ठीक है। फिर भी उसको वहाँ पर भी इसके खिलाफ़ झूठी कार्रवाई की थी। इसके बाद अभी 20 दिन पहले इसने महिला थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज कराया, परिवाद दिया इसने, शिकायत की 498 दहेज का और 406 दहेज का और प्रताड़ित करने का, मारपीट करने का। उस पर 10 तारीख को इसकी जो है काउंसलिंग हुई थी और 10 तारीख काउंसलिंग में सीआई साहब के सामने चारों विवाह के बारे में सबूत वगैरह बताए तो उन्होंने कहा इसका प्रमाण लेकर के आप 15 दिन के अंदर राजा में इसके कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से इसने जो है, और बाहर निकलते समय इसकी मौसी और इनके सामने इसने 5 लाख की डिमांड की, अंदर भी थाने के अंदर भी 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी और जेवर मांग रही थी ये, और कह रही थी कि अगर तुमने ये 5 लाख और जेवर नहीं दिए तो मैं अपने लोगों से, मेरे बहुत गुंडे लोग हैं, मैं किसी इनसे उठवा करके और इसका जो है मर्डर हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान रख लेना, मर्डर कर दूंगी। कितने समय से परेशान था और अब इसने ये एक साल भर हो गया इसको परेशान कर रखा है इसने, पिछले नवंबर 2020 से बराबर परेशान कर रखा है और धमकी देती है। और कल क्या क्या इन्होंने, और इसके अलावा एक और है कि इसने अभी कुछ टाइम पहले महीने भर पहले इसने एक लड़के का किडनैप किया था जो हिरणमगरी थाने में विचाराधीन है मुकदमा, उसमें इसको अरेस्ट भी किया गया था कनिष्का को। अब क्या हुआ इस मामले में, इससे वो तंग आ गया, परेशान हो गया और मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हुआ और प्रताड़ित होने से उसने जो है कल इसमें पॉइजन खा लिया और पॉइजन खा करके और पास पड़ोसियों ने इसको जो है टेम्पो में लाकर हॉस्पिटल भर्ती कराया और इसके कल शाम को रात को 9 बजे उसका स्वर्गवास हो गया, डेथ हो गई इसकी। और उसमें जो है आज पुलिस को रिपोर्ट दी है गोर्धन बिलास थाने में के थाना अधिकारी इनको, और वो इसकी जो है कार्रवाई कर रहे हैं और इसके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी के साथ इस तरह की लूटपाट नहीं हो और इज्जतदार व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं हो सके। जी बाबूजी, क्या नाम है और क्या घटना? हाँ, ये है, मेरा नाम गणपतलाल शर्मा, एडवोकेट। ये क्या है, एक सैनिक सिंह का मैं एडवोकेट हूँ और सैनिक सिंह के लिए जो है इस सैनिक सिंह ने विवाह किया था कनिष्का उर्फ भारती है। तो उसमें क्या है कि इसने अपने आप को, कनिष्का ने, भारती ने क्या है कि अपने आप को राठौर राजपूत बताया बुंदेलखंड का, जैसा कि सुमित ने मेरे को बताया, जानकारी दी है। तो उसमें उन्होंने राठौर राजपूत बताया था और शादी करवा दी इसकी। तो शादी के बाद 5-7 दिन बाद ही इसका पता लगा कि यह सामान बटोर करके भागने की कोशिश कर रही थी और लड़ाई झगड़ा कर रही थी इसके। ये सैनिक सिंह अपनी नानी के साथ इंदिरा कॉलोनी गोर्धन विलास में रहता है और उसी के पास बड़ा हुआ, माँ बाप की डेथ हो चुकी है, अकेला उसके साथ ही रहता है। तो क्या हुआ कि इसने वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू किया, लड़ाई झगड़ा करने के बाद इन्होंने समझाइश की, लेकिन एक दिन ये है सारा सामान बटोर करके जेवर रुपया पैसा इसके समीर सिंह के उसमें लेकर के चली गई और घर के ताला लगा करके चाबी पड़ोसी को दे के चली गई। उसके बाद इसने जो है इनके जानकारी की तो पता लगा ये तो हरिजन है और इसने पहले से ही कई शादियाँ कर रखी है। तो उसमें पता लगाया तो इसमें पता लगा उसको, सैनिक सिंह को, कि प्रथम विवाह सामूहिक हरिजन समाज का जो है नगर निगम में हुआ था, उसमें महेश चौहान से इसकी शादी हुई थी जो हुआ था 30 नंबर टोकन पर इसका नाम अंकित है सामाजिक सामूहिक विवाह में। और इसने जो है नानी ने इसका बताया और उसकी माँ लीलाबाई ने भी इसकी सारी जानकारी की पुष्टि की है, तनिष्का की माँ। इस लड़की ने जो है पहली शादी सामूहिक विवाह में महेश चौहान के साथ की, दूसरा विवाह इसने वसीम खान उर्फ जो है गार्डन होटल
के सामने टैक्सी ड्राइवर है, उससे कि तीसरा विवाह इसने मोहम्मद खां, जिसके लिए थाना हाथीपोल में भी इसने मोहम्मद खां के खिलाफ़ कार्रवाई की, वहाँ मुकदमा दर्ज है उसका खिलाफ़। और ये पानेरियों की मादड़ी में देवी मेनारिया और उसका हस्बैंड जो है हर जगह उसके साथ शादी कराने में, फर्जी शादियां कराना, माल बटोरने में सहयोग करते हैं और उसके साथ रहते हैं। ये पूरी गैंग है, इसमें चार पांच औरतें इसके साथ है।